हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति सैनी, योर साइंस टीचर। आज हम क्लास फोर्थ साइंस में लेसन 15, जो आपका चैप्टर है एनर्जी, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। इसको ऊर्जा बोलते हैं हम हिंदी में। ओके, कोई भी चीज़ है हमारे वर्ल्ड के अंदर, बिना एनर्जी के वो वर्क नहीं कर सकती। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन वर्क विदाउट एनर्जी। एनर्जी को हम बोलेंगे, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये जो हमारी, इसका मीनिंग होता है क्षमता या ताकत। ठीक है, तो वो क्षमता या ताकत जो वर्क के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। व्हीकल्स जो हमारे हैं, यातायात के साधन, एनर्जी लेते हैं फ्यूल से। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन से वो क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। अब फ्यूल्स में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? पेट्रोल, डीजल। ओके, तो ये हमारे फ्यूल्स हैं। एनर्जी होती है ये व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स को रन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो इन फ्यूल्स से लेते हैं। फ्यूल्स में हमारा पेट्रोल और डीजल आ गया। इसी तरह से हम जो एनर्जी लेते हैं वर्क के लिए, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के इजीली वर्क करने के लिए, तो वो हमें मिलता है फूड से, भोजन से हम वो लेते हैं। ओके, उसी तरह से जो प्लांट हैं वो एनर्जी को सनलाइट से लेते हैं, उन्हें भी फूड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फूड है वो अपना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। ओके, तो इसका मतलब प्लांट हो, व्हीकल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगर उन्हें कुछ भी वर्क अपना करना है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एनर्जी है इसके फॉर्म्स हैं वो कितने होते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उनमें से हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके टाइप्स में स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब होता है संग्रहित ऊर्जा। जो इकट्ठी की हुई हमारी ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी या संग्रहित ऊर्जा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, फूड और जो फ्यूल है उनमें स्टोर्ड एनर्जी रहती है हमारी। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड जो है वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। ओके, रेस्पिरेशन के दौरान, और फिर ये एनर्जी को रिलीज करता है। इसी तरह से फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के और एनर्जी को निकालता है। ठीक है, और ये हमारा होता है बर्निंग के दौरान। ठीक है, बर्निंग के दौरान फ्यूल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके और एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये रेस्पिरेशन के अंदर होगा, ये हमारा बर्निंग प्रोसेस के अंदर होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें बैटरीज या हमारी जो सेल्स है उनमें भी स्टोर्ड एनर्जी रहती है हमारी। ओके, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ओके, रासायनिक ऊर्जा ये बैटरीज में स्टोर की भी रहती है। When we use cell, the energy stored in them changes into electrical energy. जब हम इनको use करते हैं तो इनके अंदर जो store energy होती है chemical, वो electrical ऊर्जा में change हो जाती है। अब next हम बात करें electrical energy की, तो electrical जो हमारी energy है ये electricity के रूप में हमारे काम में आती है। We use electricity to light up buildings, streets, etc. हम ये इतो इलेक्ट्रिसिटी है इसको बिल्डिंग्स को, स्ट्रीट्स को, इन सब में रोशनी करने के लिए, लाइट करने के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा जो मशीन्स हैं, ओके, मशीन्स को भी वर्क करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फैक्ट्रीज में भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी है ये वायर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। जैसे हमारे होम्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, ऑफिस हो गया, इसी तरह से और चीजें। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पावर स्टेशंस में बनती है, हमारे पावर स्टेशंस में बनती है। ओके, और वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी द मोस्ट बिकॉज इट इज इजी टू यूज। हम इसको ज्यादा यूज क्यों करते हैं? इसको बनाना इजी है। ओके, और यूज करना भी इजी है। सिंपली टर्निंग द स्विच, स्विच को हम टर्न करके ही इसको यूज में ले सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा क्या है? ये पॉल्यूशन है वो नहीं करती। इट
डज नॉट पॉल्यूट, ओके, ये पॉल्यूट है, वो नहीं करती है एनवायरमेंट को, इसीलिए भी हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। थर्ड इसका देखिए नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब सूरज की जो रोशनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ऊर्जा का प्रकार। प्लांट्स जो है इसको यूज में लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, ओके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको यूज में लेके प्लांट जो है अपना फूड बनाता है। फोर्थ अब हमारा है एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन को ऊर्जा की गति बोलेंगे हम, ओके, और इसके अंदर क्या होता है, व्हेन समथिंग मूव, जब कोई भी चीज मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, ऊर्जा जो है वो इसके अंदर स्टोर रहेगी, एंड दिस एनर्जी कैन मेक समथिंग मूव। और ये जो ऊर्जा है ये किसी भी चीज को मूव करने में हमारी हेल्प करेगी, ओके, या वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मूविंग बैट है उसके अंदर भी एनर्जी होती है, मान लीजिए एक हमारा बैट है ये, ओके, तो बैट के अंदर एक मूविंग है, ये मूविंग पोजीशन में है, हम अगर इसको बॉल से हिट कर रहे हैं, मूविंग पोजीशन में है तो इसके अंदर एनर्जी रहेगी। व्हेन इट हिट्स अ बॉल, जब ये बॉल को हिट करेगा तो ये बॉल को मूव कर देगा, ओके, सो दिस इज एनर्जी ऑफ मोशन। थैंक यू स्टूडेंट।